मेरी बट्टी बारिश में गल रही है। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि एक नई फोर्ज बनाऊं इन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के साथ। शायद अब नहीं हो पाएगा, कुछ और करते हैं इस प्रोजेक्ट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोश और स्वागत है आपका मेरे चैनल वीडियो एपो में। वैसे मेरे चैनल में सारे वीडियोस अंग्रेजी में होते हैं। कुछ कमेंट्स आए थे कि हिंदी में बोलो, तो मैंने सोचा कि एक वर्षन हिंदी में क्यों ना बना दिया जाए। अगर आपको मेरी हिंदी कुछ अजीब सी लगती है तो बता दूं कि मेरी मातृभाषा तमिल है और मैं चेन्नई तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। हो गया इंट्रोडक्शन, अब आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की ओर। इस वीडियो में हम बनाएंगे बैटरैंग। और बैटरैंग होता क्या है? अगर आपने बैटमैन के फिल्म्स या कॉमिक्स देखे हों तो पता होगा कि बैटमैन के पास एक निंजा शुरिकेन होता है जिसको कि उसने बैट यानी कि चमगादड़ के शेप में बना के रखा होता है। ये मेटल में बनेगा और हम यही बनाने वाले हैं और ये आपका हो सकता है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखें आपको सारा का सारा प्रोसीजर मिल जाएगा। बैटरैंग बनाने के लिए एक टेम्पलेट की ज़रूरत है और गूगल में बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। समझदारी इसी में है कि कोई ऐसा टेम्पलेट ढूंढ के निकालूं जिसको बनाने में आसानी हो। चलो अब इसका प्रिंटआउट निकालते हैं और काम पे लगते हैं। तो ये रहा प्रिंटआउट टेम्पलेट का। मैंने इस टेम्पलेट को थोड़ा ऑल्टर किया है क्योंकि हम इसे मेटल में बनाने वाले हैं तो इसको काम करने में थोड़ी आसानी हो, इसलिए हमने थोड़ा इस टेम्पलेट को चेंज किया है। अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहता था कि दो अलग डिज़ाइन बनाऊँ, लेकिन हमारे पास जो लोहे का पट्टा है, जो मटेरियल है, वो ये दूसरे डिज़ाइन के लिए काफ़ी नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो पहला डिज़ाइन है उसी का चार प्रिंटआउट निकाल दिया मैंने, अब मैं उसी पे काम करने वाला हूँ। अब ये जो हिस्सा है चमगादड़ के सर और कान का, इसे मेटल में काटते वक्त दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। प्रिंटआउट्स को काट के पेपर टेम्पलेट हमने मेटल में चिपका दिए हैं। अब चलो मेटल को काटना शुरू करते हैं। ये जो लोहे का पट्टा है ये 3 मिलीमीटर का है और इसको काटने के लिए मैं एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंगल ग्राइंडर का जो सेफ्टी गार्ड है वो मैंने निकाल दिया है। इसे काम करने में तो आसानी होती है, लेकिन ये जो चिंगारी और मेटल के पीसेस यहाँ वहाँ उड़ते हैं। सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, मैंने सेफ्टी गियर पहन रखा है तो प्रॉब्लम नहीं है। एक बेसिक शेप कट के आ गया है। फिर मैंने अपने एंगल ग्राइंडर का व्हील चेंज किया, कटिंग व्हील निकाल कर उस पर ग्राइंडिंग व्हील लगाया और ग्राइंडिंग करना शुरू कर दिया। ये पुराना ग्राइंडिंग व्हील था, इसका व्हील का जो एज था वो थोड़ा घिसा हुआ था, लेकिन अपने लिए वो एडवांटेज बन गया। ये जो कर्व्ड पार्ट्स हैं इनको काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। अब यहाँ तक के काम के लिए मैंने सिर्फ एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है। पहले मैंने कटिंग व्हील का इस्तेमाल किया था, उसके बाद ग्राइंडिंग व्हील, और अपना ये शेप ऑलमोस्ट निकल के आ चुका है। अब इस शेप को और एक्यूरेट बनाने के लिए हम फाइल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दिखने में आपको ये थोड़ा स्लो और बोरिंग प्रोसेस लगेगा, लेकिन इतना टाइम भी नहीं गया है इसमें। फाइल की क्वालिटी अच्छी हो तो 1-1.5 घंटे के अंदर हम इसे पूरा कर सकते हैं। फाइलिंग का काम खत्म करने के बाद हम ये रोटरी टूल इस्तेमाल करेंगे। फाइलिंग की वजह से जो भी फाइलिंग मार्क्स बने हैं ब्लेड के एज में, यानी कि अपने बैटरैंग के एजेस में जो भी फाइलिंग मार्क्स बने हैं, वो सब हम इस रोटरी टूल को यूज करके निकाल देंगे। इस बैटरैंग के एजेस को हम चाकू की तरह शार्प नहीं करेंगे, उसके बदले हम इसको एक थोड़ा बेवल बनाएंगे, एक चैम्फर करेंगे इसके एजेस को। तो इसके लिए मैंने बैटरैंग के ऊपर एक आउटलाइन सा बना लिया है ताकि मैं इस लेवल के ऊपर ग्राइंड ना करूं।
ये जो साइड का एज है इसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए ये एक सिंपल आइडिया है। परमानेंट मार्कर से एजेस को कलर करने के बाद एक 3 मिलीमीटर ड्रिल बिट से साइड में खरोचेंगे तो सेंटर निकल के आ जाएगा। जहाँ हमने मार्क किया था उस जगह को ग्राइंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। फाइल करके थोड़ा इसको स्मूथ भी कर लेते हैं और जो हमने टेम्पलेट चिपकाया था उसको हम निकाल देंगे। अभी ये मेटल थोड़ा वीक है, मतलब कि अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो ये बेंड हो जाएगा, तो इसे हमें हार्डन करने की ज़रूरत है। बारिश रुक चुकी है और मैंने ईंटों को इस्तेमाल करके एक भट्टी बना लिया और अपने बैटरैंक को एकदम लाल होने तक गर्म किया। फिर अब हम इस बैटरैंक को तेल में डुबो देंगे। तेल से निकालने के बाद इसको हल्का गर्म किया और इसको रेत में दफना कर ठंडा होने दिया। पूरी तरह ठंडा होने के बाद सैंड पेपर यूज़ करके इसे फिर से पॉलिश करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बैटरैंक हर तरफ से नुकीला है, तो धीरे धीरे सावधानी से ये काम करना पड़ता है। पॉलिश करने के बाद इसको साफ किया और इस पर मैक ब्लैक स्प्रे पेंट किया। बन गया हमारा बैटरैंक। इस वीडियो के शुरुआत में मेरी कोशिश ये थी कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करूं, और मैंने एक दिन के अंदर बना दिया अपना बैटरैंक। वैसे इतना टाइम तो जाता नहीं है, लेकिन बैटरैंक बनाने के साथ साथ मैं शूटिंग भी कर रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपना बैटरैंक। बाहर ले जाते हैं, टेस्ट करते हैं। बैटरैंक टेस्टिंग। मैंने 3 बैटरैंक्स और बनाए हैं ये आपके लिए। जाने से पहले आपसे एक बात कह दूं कि मैं अच्छे वीडियोस बनाता हूं, फिर भी ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। इन बैटरैंक्स को जीतने का सारा प्रोसीजर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ऊपर के बॉक्स को आप क्लिक करोगे तो आपको मेटल वर्किंग रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, और जो बॉटम का बॉक्स है उसको क्लिक करके आप साइंस एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं। जो स्क्रीन पे जो लोगो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम जल्द मिलेंगे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे वीडियो के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय।